करने वाली हूँ टॉवल हेयर ड्राई वीडियो, और ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपकी भी कोई आप भी कोई वीडियो चाहते हो मुझसे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो वीडियो देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। गाइस, तौलिए से जब हम बालों को पोंछते हैं ना, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि जब हम बालों को तौलिए पे बांधते हैं ना, तो वो ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि गीले बाल जो होते हैं वो सूखे बालों के मुकाबले ज़्यादा कच्चे होते हैं, तो उनके टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप उन्हें ज़्यादा टाइट ना बांधें। और दूसरी बात कि जब आप तौलिए को अपने बालों से निकालें तो बहुत धीरे धीरे ही निकालें। और तीसरी बात कि जब हम टॉवल से बालों को पोंछते हैं ना, तो उन्हें हमें एकदम रगड़ते हुए नहीं पोंछना है, हमें इस तरीके से दोनों हाथों से टॉवल को पकड़ना है और उनके बीचों में बालों को रखना है, और इस तरीके से डैप डैप करते हुए हमें उन्हें पोंछना है। और अगर आप कोई भी काम धीरे धीरे करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो हमें बालों के टूटने का खतरा रहेगा। तो इस तरीके से आप बालों को ड्राई कर सकते हैं, आपके बाल जल्दी ड्राई भी हो जाएंगे और बाल टूटेंगे भी नहीं। गाइस, बालों को बिल्कुल रगड़ेगा नहीं, अदरवाइज़ आपके जो हेयर फॉल है वो भी हो सकता है, आपके हेयर डैमेज भी हो सकते हैं, और आपको दो मुँह बालों की दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो मेरी ये कुछ टिप्स हैं जो टिप्स आपको आपके बालों को ड्राई करने में हेल्प करेंगी।